सरकार स्थिर करना चाह रही है केंद्र सरकार और ईडी, क्योंकि यह 2024 का चुनाव का कहीं ना कहीं उसी का असर दिख रहा है। संदर्भ यह है कि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है 2024 और झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव, ये उसी की कड़ी है और जनता पूरी तरह से समझ रही है कि ये क्या करना चाहते हैं। जनता अडिग है, अटल है। यहाँ को कोई बच्चों को सर्विस लगा है केंद्र सरकार के द्वारा? नहीं लगा है। हमारे हेमंत सोरेन ने यहाँ के बच्चों को सर्विस देने का काम किया। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। बिहार की राजनीति में उथल पुथल के बाद अब इसका असर झारखंड में भी देखने को मिला है, जहां पर ईडी की कार्रवाई से नाराज होकर जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें कि हजारों की संख्या में तमाम अलग अलग जिलों से जेएमएम के कार्यकर्ता आज विरोध मार्च निकाले हुए हैं, राजभवन तक पहुंचे हुए हैं। तो इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं राजभवन से। आप देखें कि बैरिकेडिंग्स लगाकर जहां पर प्रशासन ने जेएमएम के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका, हालांकि ये शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश मार्च निकाले हैं। जिस तरीके से ईडी मुख्यमंत्री को सम्मन कर रही है और लगातार उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बैक टू बैक सम्मन किया जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी अपने व्यस्तता का हवाला देते हुए कहा है कि 31 मार्च तक वो व्यस्त है और 31 मार्च के बाद ही वो कोई समय दे पाएंगे। बावजूद ईडी ने मुख्यमंत्री को फिर से सम्मन किया है, 10वां सम्मन, जिसमें ईडी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप समय 31 मार्च तक 31 जनवरी से पहले नहीं देते हैं तो 30 जनवरी को खुद ईडी मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। तो इसी से नाराज होकर जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। पहले साहेबगंज बंद कॉल किया गया, उसके बाद झारखंड की उपराजधानी दुमका बंद की गई और आज जेएमएम के कार्यकर्ता राजधानी रांची के राजभवन में आक्रोश मार्च निकाले हैं। और ये मार्च जो है आक्रोश मार्च, ये 31 जनवरी तक निरंतर इसी तरीके से इनका देखने को मिलेगा। हमारे साथ जो जेएमएम के नेता हैं उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि 31 जनवरी तक आप लोग इसी तरीके से मार्च निकालेंगे। दूसरी तरफ 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम ईडी ने मुख्यमंत्री को दिया है कि वो पूछताछ के लिए समय देखिए, ये लगातार जारी रहेगा 31 जनवरी तक। और चूंकि इस तरह से अगर ये केंद्रीय एजेंसी अगर रुकती नहीं है तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा, क्योंकि ये बात जेएमएम के अस्तित्व का नहीं है, ये पूरे 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का है जिन्होंने जनादेश दिया था। और कहीं ना कहीं इसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियां द्वारा किया जा रहा है। और संदर्भ ये है कि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है 2024 और झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव, ये उसी की कड़ी है और जनता पूरी तरह से समझ रही है कि ये क्या करना चाहते हैं। जनता अडिग है, अटल है। राजनीति में जो उथल पुथल हुआ है उसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा, ये डर सता रहा है जेएमएम को कि कहीं सरकार अस्थिर ना हो जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए बिहार अलग है, झारखंड की पृष्ठभूमि अलग है। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे और आज हम उसी का पालन कर रहे हैं। और ये विरोध अगर ईडी अभी भी अंकुश नहीं लगाती है तो ये लड़ाई और भी तेज होगा और हम लोग पुनः रोड पे होंगे। तस्वीर देखिए, जेएमएम के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ता आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। क्या लगता है ईडी जो कार्रवाई कर रही है, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ईडी के मार्फत सरकार अस्थिर करने की साजिश रच रही है? बिल्कुल आवास, यही बात है, सरकार स्थिर करना चाह रही है केंद्र सरकार और ईडी, क्योंकि यह 2024 का चुनाव का कहीं ना कहीं उसी का असर दिख रहा है और उसी तैयारी में जो है केंद्र सरकार लगी हुई है और उसी में हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को सम्मन पर सम्मन जारी कर रहा है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और सम्मन अगर इसी तरह से आता रहा तो हम लोग उग्र आंदोलन करते रहेंगे लगातार पूरे झारखंड में। तो सीधे तौर पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने ये कह दिया है कि अगर ईडी अपनी कार्रवाई को नहीं रोकती है झारखंड में, अगर मुख्यमंत्री को वो बेवजह परेशान करती है, तो जेएमएम के का जो ये आक्रोश है ये यहीं पर खत्म नहीं होगा, झारखंड में गुलगुलान होगा और इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना होगा। तो तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जेएमएम के झंडे के साथ जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो राजभवन पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से आक्रोश मार्च निकाले हैं ईडी के कार्रवाई के विरोध में। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है ईडी की जो कार्रवाई? देखिए, आज हम लोग मोराबादी मैदान से चलकर राजभवन की ओर कूच किए हुए हैं। राज्यपाल महोदय से हम लोगों की मांग है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जिन्होंने ईडी की एजेंसियां लाई है उसको वापस भेजें, अन्यथा
पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन होगा और यहां से एक भी खनिज संपदा को जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैं झारखंड आंदोलनकारी हूं। हम लोग झारखंड अलग राज सींच कर बनाए हैं ताकि यहां के आदिवासी मूलवासी का विकास हो। अगर इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज पूरे झारखंड के गांव-गांव तक अंतिम व्यक्ति तक विकास की कार्य को तेजी से पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। हमारे यहां के बच्चे पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज में बीएड टीएड किए हुए हैं, लेकिन आज हमारे बच्चों को जो है केंद्र की बीजेपी सरकार ने कहा था कि झारखंड में 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक 2 करोड़ किसी को दिया है नौकरी? कोई भी आदमी को यहाँ का कोई बच्चों को सर्विस लगा है केंद्र सरकार के द्वारा? नहीं लगा है। हमारे हेमंत सोरेन ने यहाँ के बच्चों को सर्विस देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, जो बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। आपने देखा होगा कोरोना काल में, बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में, कोरोना काल में केंद्र के बीजेपी सरकार ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से लाने का काम करेंगे। आज वो काम हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। ट्रेन से, बस से, यहाँ तक पैदल लोग आ रहे थे, उनके जगह जगह में खाने की व्यवस्था। ये आपको तस्वीर देख पा रहे होंगे कि ये जो है आप यहाँ पर जो तमाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड में पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रहा है। और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि आप देखिए हाथों में जेएमएम का झंडा लिए जेएमएम के कार्यकर्ता आज पैदल मार्च निकाले हैं, आक्रोश मार्च निकाले हैं। और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई के विरोध जेएमएम कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी है, आक्रोश मार्च निकाले हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड में ईडी अपने इस कार्रवाई को नहीं बंद करती है, मुख्यमंत्री को परेशान करना नहीं बंद करती है, समन भेजना नहीं बंद करती है, तो आने वाले समय में झारखंड में इससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और इसका खामियाजा केंद्र सरकार और मोदी सरकार को भुगतना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज़।